जी जी सिस्टर का नाम कवलजीत कौर है और जेलोपो की जुगामा रोड और इनका गांव है बगुदूत और वहां से के रहने वाले हैं। और जिस सिस्टर की टेस्टामनी जे है कि जे 9 साल से प्रभु में बिलीव कर रहे थे और इनकी मैरिज को 17 साल हो चुके थे और जे बता रहे कि जैसे इनकी मैरिज हुई थी उस समय से जी बहुत परेशान थे, इनकी बॉडी में बहुत सारी बीमारियां थी जैसे जूरिया, टाइफाइड बुखार, सिर में दर्द और इनके 6 साल से इनको रसौलियाँ थी बच्चेदानी में, जूट्रस में, जिससे जे बहुत परेशान थी और 9 साल से दुष्ट आत्मा के अटैक भी इनको बहुत ज़्यादा होते थे जिसके कारण इनके 2 मिसकैरिज भी हो चुके थे। और जो रसौलियाँ थी उसका इस सिस्टर ने 1 महीना पहले ऑपरेट भी करवाया था और जैसे ही 1 महीना पहले जिस सिस्टर को प्रभु की गुड न्यूज़ दी गई और जे बता रहे कि जैसे जे इस मिनिस्ट्री में आए पिछले थर्सडे की मीटिंग में इस मिनिस्ट्री में आए और जो बता रहे कि जैसे प्रभु के दास हीलिंग प्रेयर कर रहे थे और इनके ऊपर दुष्ट आत्मा आ गया। सबसे पहले हम उस क्लिप को देखेंगे। मैं आगे लेकर आऊं, चल छोड़ 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 पूरी तरह से टुकड़ो टुकड़ो। आज तेरा लास्ट दिन है, बहुत दिन तूने इसके जीवन में राज कर लिया, आज तेरा लास्ट दिन है, चल छोड़ छोड़ उसे, वहीं पे रहने दो उसे, क्यों चल चल, आज तेरा लास्ट दिन है। बोल क्या नाम है शैतान तेरा? हाँ लड्डी। लड्डी है तू? क्यों ने क्यों पकड़ा तूने इसे? हाँ बताओ कितने जाने हो? 11। अब 11 जाने हो, बताओ आपका नाम क्या है, बताओ सबका नाम क्या है? मेरा नाम लाडी है। और बताओ? अकेला लाडी सभी हमको बुलाते हैं। हाँ? बाकी बताओ बाकियों का नाम क्या है? हमको कबल को सभी पाना चाहते हैं। क्या पाना चाहते हैं? कहते कबल को पाना चाहते हैं। कबर को पाना चाहते हैं। तू उसी कबर में लेकर जाना चाहते हो? हाँ कवल को। वो कौन है? मेरी पत्नी। अच्छा तू जानता है मुझे, उसके वचन को जानता है ना शैतान? तुझे पता कवल बहुत मानती है, पता है हमको? तुझे पता है ना इंसान एक ही बार मरता और एक ही बार उसके बाद खत्म हो जाता है, उसके बाद उसकी जो सोचे कल्पनाएं खत्म हो जाती है। ओए देख अभी तेरा काम तमाम होगा, अब जितने भी जाने इसके जीवन में घुस कर बैठे हो, ये जो ऑपरेशन तूने करवाया इसका रसौली तूने दी शैतान? बोल ये रसौली की बीमारी तूने दी थी इसे? तूने दी थी ना? चलास। और तूने क्या क्या इसके साथ किया बोल? हाँ बोल क्या क्या किया तूने और इसके साथ? हाँ चल चलास, चल पूरी तरह से निकल, चल खुदा की डोनाम सामर्थ को शैतान तेरे ऊपर मैं रिलीज करता हूं, चल 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 चल। जितने भी जाने आप इसके अंदर घुसकर बैठे हो, जितनी भी दुष्ट आत्माएं हैं, चलो यीशु के नाम से चलो छोड़ो इसे शैतान, चल जितने भी आप जाने हो यीशु के नाम से मैं आख्या करता हूं, चलो चलो छोड़ो, चलो यीशु के नाम से मैं आख्या करता हूं सब दुष्ट आत्माओं को, जितने भी जाने इसके शरीर में आप छिपकर बैठे हो घुसकर, चल आस यीशु के नाम से मैं आख्या करता हूं शैतान तुझे पूरी तरह से सब जितने भी जाने हो आप चलाओ आउट आउट आउट, निकलो निकलो सब निकलो सब निकलो यीशु के नाम से, जितने भी जाने इसके शिप पर बैठे हो आज से दोबारा कभी भी इसकी बॉडी में प्रवेश नहीं करना, चल आज जितने भी जाने हो दोबारा कभी भी इसकी बॉडी में प्रवेश नहीं करना शैतान, मैं तुझे आख्या करता हूं खुदा का दास होने के नाते, चल पूरी तरह से इसके जीवन से मैं तुझे डिस्कनेक्ट करता हूं हमेशा के लिए आउट, फ्री द नेम ऑफ जीसस बिहेव फ्री फ्री फ्री। यस खुदावन मैं से आज सोने के नाते हमेशा के लिए खुदावन
इन दुष्ट आत्माओं से मैं इसे आजाद करता हूं खुदा। यस खुदावन, ये तेरी बेटी है परमेश्वर, और तू निश्चय परमेश्वर आज पूरी तरह अपने सामर्थ्य नाम से इसे फ्री कर चुका है। आमेन, आमेन। उठो उठो मेरी, उठो मेरी बहन, उठाओ इसे, उठो 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 मेरी बच्ची, उठो उठो। क्या नाम है? उठ जा, उठ जा, कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ, चक्कर ना गया, उठ जा, उठ जा, उठ जा, उठ जा, चल मेरे, चल मेरी बहन, देख देख मेरी तरफ, क्या नाम क्या तेरा? हाँ कोई बात नहीं, देख देख ध्यान से देख, क्या नाम क्या तेरा? कोई बात नहीं है, यहीं पे तेरे घर वाले साहब, यहीं पे, क्या नाम क्या तेरा बोल। हाँ कुछ नहीं कुछ नहीं, ओ यार रो ना, सब तू फ्री है, फ्री है, तू फ्री है, फ्री है। हाँ फ्री है तू? नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, आज से तू फ्री है, कोई बात नहीं है। हाँ हाँ ये फ्री है, कुछ नहीं है, रोना रोना, आज परमेश्वर ने तुझे फ्री कर दिया है। हाँ कोई बात नहीं है, हाँ ये चल बस, आज फ्री है तू पूरी तरह से। क्या नाम क्या है बेटे तेरा? हाँ क्या नाम है? कवलजीत है तेरा नाम? हाँ ओके, तू शास करती है ना प्रभु भी, आज तुझे परमेश्वर पूरी तरह फ्री कर चुका है। बोल क्या है? आज तुझे परमेश्वर पूरी तरह फ्री कर चुका है। हाँ किसी भी चीज का अपने मन में जरा सा भी डर नहीं रखना, क्या नहीं रखना? जरा सा भी डर नहीं रखना, तू पूरी तरह से फ्री है। तो बता रही कि जैसे उस दिन के लिए प्रेयर हुई, तुझे दुष्ट आत्मा से तो पूरी तरह फ्री हो चुके, और उस दिन जैसे जिस संगति में आए थे और प्रभु के दास के मुख से वर्ड आया था कि जिनका फ्रेश ऑपरेट हुआ है वो आज हील होने वाले, तो जिस सिस्टर का ऑपरेट हुआ था, और जो बता रहे कि जो बहुत सारी मेडिसिन खा रहे थे, और उससे संगति में आने से 3 दिन पहले इनके इनको ऐसे जब भी जो टॉयलेट जाते थे तो इनको ब्लड आता था, और डॉक्टर ने बोला था कि आपको इसकी मेडिसिन लेनी पड़ेगी, और जो बहुत सारी इन सब बीमारियों की मेडिसिन खा रहे थे, और जो सिस्टर बता रही कि जैसे उस दिन प्रभु के दास के द्वारा इनके लिए प्रार्थना हुई, और जो सिस्टर दुष्ट आत्मा के साथ जितनी भी प्रॉब्लम थी उस सबसे जो फ्री हो चुके हैं, और उस दिन से लेकर आज तक जो सिस्टर एक भी मेडिसिन की गोली नहीं ली, और जो पूरी तरह से हर एक प्रॉब्लम से आज फ्री हो चुके, इस गवाही के लिए जो परमेश्वर का बहुत सारा थैंक्स करते हैं। हम सब तारीफ करेंगे क्लीसिया। आप कुछ बताना चाहते हो? हाँ आप कितने, ये जो प्रॉब्लम थी ये दुष्ट आत्मा की कितने साल से थी आपको? 17 साल। ये माइक में आवाज नहीं है? नहीं नहीं एक सेकंड को माइक पकड़ो। 17 साल में मेरे से हो चुके हैं, तो जब से मेरी शादी हुई है अपने ससुराल में गई तब से ही मुझको पता नहीं है, अचानक रोज कुछ ना कुछ होता रहता था। रोज मतलब 17 साल से ये ऐसे हो रहा? आपको प्रभु में आए हुए कितना समय हुआ? सर मैं तो 9 साल से मतलब कि फतेहगढ़ चर्च में गई थी फर्स्ट टाइम। 9 साल आप एक फतेहगढ़ चर्च में गए? जी जी। तो ये चीज तब भी ऐसे होती रहती थी, ये अटैक आते रहते थे? नहीं सर, बीच बीच में कभी कभी रुक जाते थे, फिर आने लगते थे। जब मैं मतलब कि घर में स्टार्टिंग, जब बाहर रहती हूँ फिर मैं सही रहती हूँ, जब घर में जाती तब मुझको ऐसे होता है, फिर ऐसे होता था, जैसे मतलब कि मेरे को साथ कुछ हो रहा है, जैसे मेरे को साथ कुछ शेरखानी कर रहा है, जैसे मतलब कि मैं जा रही मेरे पीछे पीछे कोई चल रहा है, हमको कोई हाथ लगाता है, जैसे मेरे बेटा है बेटी है जो हमको ऐसे हाथ भी लगाते हैं, मैं उसको खींच के थप्पड़ लगाती हूँ कि मुझको ऐसा लगता है मुझको कोई, मुझे कोई शूर है कोई जी। ओके तो इसकी वजह से आपकी बॉडी में दुष्ट आत्मा की वजह के कारण आपकी बॉडी में क्या क्या हालात आ गए? सर जैसे मेरी मैरिज के पहले से हमको कुछ कभी कुछ हुआ नहीं था, जैसे हमारी मैरिज हो चुकी थी उसके बाद जो मैंने कभी नहीं था सुना बीमारी का, कभी पता भी नहीं हमको था, तो जो भी हमको पता चलने लगा कि जेब बीमारी है, जेब बीमारी, जेब मतलब कि इतना परेशान होने लगी कि मुझको पता नहीं मैं किस चीज की दवाई खाऊं किस चीज की दवाई ना खाऊं, और इतनी ज्यादा बीमारियां आ गई शरीर में। जी सर मेरे ना जैसे घर में ऐसे, ये आपके हाथ में क्या है? जे भी दिखाती हूँ। ये खुश है जो शैतान की मिठाई है। जैसे सर मेरे घर में ऐसी पॉकेट है, मेरे घर में ऐसी
बड़ी वाली मेरे घर में भरी है, वो ऊपर से लेके नीचे तक सारी भरी है। किस चीज से भरी है? दवाई से। ओ थोड़ी फ्रिज में दवाई, किचन में दवाई, मेरे बेड में दवाई, मेरे पर्स में दवाई, मतलब कि जहां भी जाना है दवाई खा के, नहीं तो कहीं जा नहीं पाऊंगी। ओके दिखाओ क्या है आपकी, कौन सी मिठाई है आपकी, दिखाओ। शैतान की मिठाई? नहीं सर, शैतान की। ये शैतान की। हाँ दिखाओ। बाप रे बाप, इसके अंदर भी इतनी दवाई है। हर पॉलीथिन में अलग अलग तरह की मेडिसिन है, देखो है। ये लो, इसे सबको झूम करके लो। अभी आधी लेके आई, आधी घर में छोटी है। आप लो दे है ऐसे। सर ये जो दवाई थी ना, जे वाली जो है, जे हद से ज्यादा जब दर्द होती है सिर में, जिस दिन आपको उस दिन परमेश्वर ने उस बीमारी से चक्रों की फ्री किया, जी ये उस चीज की मेडिसिन थी। जी वो चीज आपको जो सिर के आपके घेरे में जो चक्कर आते थे, दर्द रहती, ये कितने समय से थी? सर जे मतलब कि जब दिन रात हमको रोना पड़ता था दवाई खा, मतलब दिन रात ये दर्द रहती थी जी। ये मेडिसिन आप कब से खा रहे हो? जे काफी 3-4 साल से ऊपर ही हो, 3-4 साल से देखो ये खा रहे। इतना हमको अभी इतना ख्याल ही नहीं कौन सी बीमारी कब हमको आई है। ये अलग अलग तरह की मेडिसिन है सबकी, देखो क्या हुआ। अभी आधी मेरे घर में है, अभी आधी इससे ज्यादा घर में है, हाँ अलमारी में रखी है। जे तो हम मम्मा के पास आए थे ना जिस दिन, उस दिन लेके इतनी, तो जे भी जो दवाई थी, खाना खाने से पहले खाना 2 चम्मच, उसके बाद भी खाना, रात को सोने टाइम भी जे खाना। इसको झूम करो, सारा दिखाओ, सारी मेडिसिन को दिखाओ। ये देखो अलग अलग तरह की मेडिसिन है। अभी ये कुशियां और इससे ज्यादा आपके घर में, हाँ तो ठीक है। और जिस दिन आप थर्सडे इस वीरवार की मीटिंग में आए, और उस दिन से लेकर आज तक, उस दिन से परमेश्वर ने आपको फ्री कर दिया उस दुष्ट आत्मा से, और इन सब प्रॉब्लम से आप आजाद हो। अभी आपके सिर में कोई दर्द नहीं। अब पेट की क्या बता रहे थे? पेट की पेट की जो प्रॉब्लम थी आपकी, कह रहे थे वो जो ब्लड। जी मेरे ना मतलब कि 3-4 दिन वीरवार से, जैसे सोमवार से ना, जब भी मैं टॉयलेट जा रही थी, तो जब मैं मतलब कि पानी फेंकने की रोकती थी, नीचे देखना ब्लड सर रहा, तो बहुत परेशान होने लगे। तो मैंने अपनी मम्मा को नहीं बताया कि जो पहले से बहुत परेशान थी। तो फिर रविवार को हम जहाँ आके चर्च में, तो जैसे आपने बोला कि जितने भी जिनों को भी नवे ऑपरेट हुए हैं, उनको परमेश्वर हील करने जा रहा है, अपना विश्वास बनो। तो जब मैंने ऐसे अपने पेट में हाथ रखा और मैंने बोला परमेश्वर हमारे की जो ब्लैडिंग की प्रॉब्लम तुम्हारे दास के कहने से सारी खत्म हो जाए आज, तो उस दिन से मुझको इसी दवाई में हमने एक छोटी सी भी हमने गोली नहीं खा के देखी उस दिन से। तारीफ करो इस बात के लिए। देखो कितनी सारी मेडिसिन है उस दिन से, इतना जो ब्लड आ रहा था, हाँ सोमवार से लेकर, कहते जी लगातार ब्लड आ रहा था उस ऑपरेट की वजह। अपने वीडियो में देखा इस बेल्ट लगी हुई थी जी। क्या लगी हुई थी बेल्ट। और लगातार ब्लड आ रहा, और उस दिन से जब वीरवार की मीटिंग में आई थर्सडे की, और आज ये कहते मैं एक छोटी सी भी गोली नहीं खाती, और ढेर है ये, और इससे ज्यादा कहते अलमारी भरी पड़ी। बोलो क्या है? इससे ज्यादा अलमारी उस डॉक्टर जीसस के लिए। तारीफ करो जोर से, जो छोटी तारीफ नहीं, खड़े होकर अपने दोनों हाथों को उठाकर, मैं कहता हूं अपने दोनों हाथों को उठाकर, क्योंकि